हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग ग्रुप पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो देखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स अलग होते हैं और इसका बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स और ABCDEF कैरेक्टर्स अलग होते हैं और इसका बेस होता है 16। तो आज हमें देखना है ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। आप जानते हैं कि डायरेक्टली ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन नहीं होगा, पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे और फिर बाइनरी से हेक्सा में करेंगे। तो इसको हम स्पेस देकर लिख लेते हैं 5, 7, 2। और अब हम इसके 3 की पेयर में इन सबका बाइनरी लिख लेते हैं 0, 1, 0, 7 का बाइनरी 1, 1, 1, 5 का बाइनरी 1, 0, 1, 6 का बाइनरी 1, 1, 0। इस तरह से हम लिख लिया है। अब इसे हम कंबाइन कर लेते हैं 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0। इस तरह से हमने लिखी है। अभी से हमें 4 के पेयर में लिख देना है। ये पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। इस तरह से 3 पेयर में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इसके इक्वलेंट डेसिमल लिख देते हैं 1010। यह 10 का बाइनरी होता है, 10 मीन्स 8। वन 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 ये तो आपका 7 का होता है, 7 लेते हैं। 1101 यह 13 का बाइनरी है, 13 मीन्स 10, 11, 12 और 13 मीन्स डी, यह डी का बाइनरी है, यहाँ पे लिखते हैं डी। अब इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ लेते हैं डी D7A। तो इस तरह से देख सकते हैं आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसे भी हमें दूर दूर लिखना होगा 3, 3, 1, 4, 5। अब हमें इसका बाइनरी लिखना होगा 3 के पेयर में 1, 0, 1, ये 5 का बाइनरी है, 4 का बाइनरी 1, 0, 0, 1 का बाइनरी 0, 0, 1 और 3 का बाइनरी हम लिखते हैं 0, 1, 1। अब हमें इन सबको कंबाइन कर लिखना होगा 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1। अब हमें इसका 4 का पेयर बनाना होगा। तो देखते हैं पहला पेयर, ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया और ये थर्ड पेयर हो गया। अब हम इसका ये किसका बन रही है यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1, 0, 1 मीन्स 5, 1, 1, 0 मीन्स 6, 1, 1, 0 मीन्स 6। तो इस तरह से लिख दे सकते हैं आप 6, 6, 5। इस तरह से हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया है। बहुत सिंपल है, बस आपको 0 से लेके 15 तक के बाइनरी नंबर्स आने चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप एक बार हमारे चैनल को विजिट करें जहां पर आपको इस प्रकार के कई वीडियोस मिल सकते हैं, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू।